गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको हिंदी का पार्ट दो अपने शब्दों में संक्षेप में पढ़ा रहे हैं, जिसका शीर्षक है फिर बौरा आम। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि फलों का राजा कौन है? आम। क्या आप सबको आम पसंद है? आज हम आम के जीवन यात्रा के बारे में जानेंगे। आम के पेड़ में बौर आने को बौराना कहते हैं। बौराना का अर्थ पागल नहीं है, बल्कि आमों के पेड़ पर फूल आने को बौराना कहते हैं। आम का फूल बसंत बीतते बीतते अर्थात मार्च के महीने के समाप्त होने तक आम के फूलों से पेड़ भर जाते हैं। आम के बाग उनकी खुशबू से महकने लगते हैं। आम का पेड़ भारत में लगभग हर जगह पाया जाता है। इनके कई नाम कई किस्में हैं, जैसे बेगम पसंद, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, नीलम, अल्फासो, मालदा, सफेदा, सिंदूरी आदि। हर शुभ अवसर पर आम की पत्तियों के बंदरवार बनाकर दरवाजे पर सजाते हैं। आम हवन पूजा में भी आम की लकड़ी जलाई जाती है। आम भारतीय रसोई का भी अभिन्न अंग है, क्योंकि कच्चे आम से अचार बनाए जाते हैं, छोटी छोटी अमियों को छौंक कर सब्जियां बनाई जाती हैं, पके आम के गूदे को सुखाकर आम पापड़ तथा कच्चे आम का पना बनाकर पिया जाता है, जिसे पीने से हमें गर्मी में लू नहीं लगती है। यह फल विटामिन ए से भरपूर है। कई जगह आम की गुठली को उबालकर उसकी रोटी तथा उसका तेल भी बनाया जाता है। आम की पेड़ के छाल से पीला रंग बनाया जाता है, जो सूती कपड़े रंगने के काम में आता है। आम के पेड़ की लकड़ी पानी में नहीं गलती, इसलिए इससे नावें भी बनाई जाती हैं। पिछले कई वर्षों से दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आम की देशी तथा विदेशी किस्में प्रदर्शित की जाती हैं। प्रदर्शनी में आम की सर्वश्रेष्ठ उत्पादन के लिए पुरस्कार भी दिया जाता है। आम हमारे भारत में ही नहीं, बल्कि इंग्लैंड और एशिया के देशों में आम और उससे बनी वस्तुओं की मांग बढ़ रही है। इस वास्तव में आम अपने अनोखे स्वाद और गुणों के कारण सचमुच फलों का राजा है। आज हमने पार्ट दो में आम के बारे में पढ़ा। इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं आपको इस पार्ट की कुछ पिक्चर भेज रही हूँ, जिससे आप पढ़कर और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।